यूपी बिहार की लोकसभा की लड़ाई में अब एक नया ट्विस्ट। अब कोई इफ बट ना किंतु परंतु, राहुल और प्रियंका सीट से लड़ेंगे चुनाव। इन 40 सीटों पर बन गई बात। ज्ञानवापी में पूजा के विरोध वाली याचिका पर हुई सुनवाई पूरी। हाई कोर्ट अगले हफ्ते सुना सकता है फैसला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन ने फैसला रखा सुरक्षित। मुस्लिम पक्ष की तरफ से नकवी ने कही ये बात। अयोध्या में हुआ होली का आगाज। बजरंग बली को अर्पित किया गया अबीर और गुलाल। अबीर गुलाल उड़ाकर होली का पर्व गया मनाया। नागा साधुओं में दिखा गजब का उत्साह। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। तीसरे टेस्ट में सरफराज खान का डेब्यू। दो बार तोड़ चुके हैं डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड। अनिल कुंबले ने दी कैप। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुरुवार यानी 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश के बाद दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान। मनीष सिसोदिया की आजादी आज शाम हो जाएगी खत्म। फिर से तिहाड़ जेल, कालकोठरी में कटेगी रात। कोर्ट ने अर्जी की थी स्वीकार, सीबीआई और ईडी ने किया था विरोध। मानत अवधि गुरुवार शाम को हो रही है समाप्त। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतारकर बनाया दिलचस्प। बीजेपी की तरफ से संजय सेठ ने गुरुवार को किया नामांकन। जब भरत तख्तानी ने ईशा देओल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मुझ में ईगो नहीं। जबकि वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए लिखे ये शब्द, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं की साझा। दिल्ली हाईकोर्ट के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। अदालत में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर दिखी बसंत उत्सव की रंगत। गंगा जमुनी तहजीब की 800 साल पुरानी परंपरा की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा, मार्शल ने निकाला बाहर। नोएडा में बनेगा चंडीगढ़ से भी खूबसूरत रॉक गार्डन, होंगी एक खास विशेषताएं। सलमान खान की ब्लॉकबस्टर में विलेन बन लूटी महफिल। अब हाथ लगी इस धांसू मूवी, साउथ सुपरस्टार से करेंगे मुकाबला। संजय सिंह फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अब क्या है उनकी मांग। आम आदमी पार्टी सांसद ने 5 साल बाद गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा होने की जागी उम्मीद। पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। इस बार किसानों को रियायत देने के मूड में नहीं है पुलिस। 30,000 जवान बॉर्डर पर तैनात, जाने आगे की योजना। आज से शुरू हो गई 10वीं बोर्ड के एग्जाम। सीबीएसई ने छात्रों को दिए ये जरूरी निर्देश। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा का फैंस काफी लंबे से कर रहे थे इंतजार। फिल्म योद्धा को लेकर अभी तक कई अपडेट्स आ चुके हैं सामने। कांग्रेस की न्याय यात्रा में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल भी होंगी शामिल। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद होंगी यात्रा में शामिल। विपक्षी गठबंधन को एक और झटका, फारूक अब्दुल्ला ने दिए एनडीए में शामिल होने के संकेत। संदेश खाली मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई की है, लेकिन बीजेपी बाहर से अपने आप को लोगों को बाहर से बुलाकर माहौल को कर रही है खराब। कतर में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, दोहा में शेख तमीम अल थानी से की मुलाकात। बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की मांग, हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे सरकार। केंद्र मंत्री और किसान नेताओं के बीच आज होगी तीसरे दौर की बैठक। पंजाब के बाद अब हरियाणा के भी टोल फ्री, किसानों का ऐलान कल से 3 घंटे नहीं लगेंगे पैसे। जॉने यूपी को लेकर क्या कहा। टीवी के मशहूर धार्मिक शो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार अदा करने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित शर्मा की धमाकेदारी पारी का अंत, 131 रन बनाकर हुए आउट जडेजा शतक के करीब। ब्रजभूषण के सहयोगी को किया जाए बर्खास्त, साक्षी मलिक की सरकार से अपील, दोबारा आंदोलन का भी किया ऐलान। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है, जिसकी वजह से यही एक्ट्रेस चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। दिल्ली का बजट फिर अटका, मंत्री आतिशी ने बताया क्यों हो रही है देरी। विधानसभा सत्र मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राहुल गांधी ने घेरा बीजेपी को। सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत, ऑफलाइन के साथ ये मौका भी देगी बिहार सरकार। कांग्रेस ने जारी किए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम, मिलिंद देवड़ा को भी शिवसेना से मिला गिफ्ट। पीएम मोदी ने मंदिर के लिए अदा किया यूएई का शुक्रिया, कहा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने जीता 140 करोड़ भारतीयों का दिल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मांगे 3.5 लाख जवान। बीएपीएस हिंदू मंदिर में सामने आया अक्षय कुमार का वीडियो, उद्घाटन में हुए शामिल। बिहार में महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार विधानसभा परिसर में हुआ आमना सामना। लालू और तेजस्वी एक साथ विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार और लालू ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर किया अभिवादन।
बिग बॉस 17 में नजर आ चुका कपल समर्थ जुड़ैल और ईशा मालवीय इस वक्त अपने ब्रेकअप को लेकर चर्चाओं में। खबर है कि दोनों अलग हो चुके हैं। इन खबरों को हवा समर्थ जुड़ैल के हालिया पोस्ट से मिली है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार ने इन शिक्षकों की मांगे मान ली है, जिसके बाद अब ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर आज भी भारी तनाव, पुलिस बैरिकेड के पास आ रहे आंदोलनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। किसान हर हाल में दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हरियाणा पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को राज्य में घुसने नहीं देना चाहती। दिल्ली मेट्रो में 13 फरवरी को 71 लाख दैनिक यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। यह उस दिन का रिकॉर्ड है जब दिल्ली तक किसानों के मार्च के चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनसीआर क्षेत्र में लगा था ट्रैफिक जाम। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर पहुंची आगरा, यहां उन्होंने ताजमहल का किया दीदार। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद रही सख्त।